दिल्ली वाले पर्यावरण को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और जिस तरीके से राजधानी दिल्ली का लगातार जो पोल्यूशन लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब लोग जो है ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्लांट्स को है वो खरीदते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के रजौरी हाईवे की दिखा रहे हैं, जहाँ पर निशा नाम की नर्सरी है, जहाँ पर अलग अलग किस्म के जो फूलों के पौधे हैं वो बिक रहे हैं। साथ ही साथ अपने दफ्तरों में अपने घरों में रखने के लिए भी जो लोग इनडोर प्लांट्स होते हैं उनको भी लेकर जा रहे हैं। अगर मौसम की बात करी जाए तो जिस तरीके से इस समय जो मौसम है सर्दियों के मौसम में जिन फूलों की डिमांड होती है उनके पौधे तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ अलग अलग किस्म के जो बाहर से पौधे आते हैं वो भी यहाँ पर बिक रहे हैं, जिनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। चाहे अगर फूलों की बात करी जाए तो अलग अलग किस्म के फूलों के पौधे हम आपको दिखा रहे हैं जो लेने के लिए लोग दूर दराज से पहुँच रहे हैं। साथ ही अगर इस नर्सरी की बात करी जाए तो इस नर्सरी में जिस तरीके से पौधों की देख रेख और बचाव किया जाता है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं लगातार छिड़की जाती हैं जिससे कि जो पौधे हैं वो अच्छे बने रहें, जिससे कि लोग घरों में ले जाएं तो वो पौधे ज़्यादा समय तक चलें। और साथ ही जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अलग अलग किस्म के जो पौधे हैं वो यहाँ पर बिक रहे हैं, क्योंकि दिल्ली वाले जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर जागरूक हैं वैसे ही अपने घरों को डेकोरेशन करने में भी, यानी कि कहीं ना कहीं वो ज़रूर इन चीज़ों को ले जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ आर्टिफिशियल चीज़ें मिल रही हैं वहीं यहाँ पर ओरिजिनल पौधे मिल रहे हैं जिसको कि लोग अपने घरों पर ले जा रहे हैं। इस वक्त हम निशा नर्सरी में मौजूद है, जो आपको बता दें कि रजौरी हाईवे पे पड़ती है, और हमारे साथ अभी इस नर्सरी के ओनर जयसिंह जी मौजूद है, जो आप बताएंगे कि किस किस तरह के फूल यहाँ पर है और जैसे मौसम लगातार बदल रहा है तो किस हिसाब से यहाँ पर फूल है, डेकोरेशन क्या क्या फूल है, आइए पूछते हैं इनसे। सर किस तरह के फूल है पहले तो ये बताइए, अलग अलग वेराइटीज जैसे डेंटस है, सालविया है, पिकोनिया है, गुलदावली है, कलंचू है, बहुत सारी वैरायटी और भी है। तो अभी जिस तरीके से सर्दी का मौसम आ रहा है तो लोग क्या ज़्यादा पसंद करते हैं सर्दी के मौसम में, कौन से फूल? सर्दी में सीजनल फ्लावर ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। तो डेकोरेशन का सामान लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं क्योंकि फूलों में डेकोरेशन भी होती है, प्योरीफायर भी होते हैं, क्या ज़्यादा लोग डेकोरेशन का प्रदूषण के हिसाब से जैसे एरिका पाम है, एरोकेलिया है, सेंसवेरिया है, ये ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो क्या लगता है कि अभी जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है तो लोग जो खरीदने आ रहे हैं फूल वो मतलब कि ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा खरीद रहे हैं या घर को डेकोरेट करने के लिए? फ्लोरिंग ज़्यादा खरीद रहे हैं, अभी तो फ्लोरिंग का पौधा ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो किस लिए काम आता है वो? शो के लिए, डेकोरेशन के लिए। जैसे इनका कहना है कि कुछ जो ऑक्सीजन के फूल है वो भी खरीदे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि काफ़ी सुंदर सुंदर तरीके के यहाँ पे फूल है, जो भी यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि घर को सजाने के लिए फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल सामान भी यूज़ होता है लेकिन नेचुरल सामान की अपनी बात ही अलग होती है और लोग इसी तरह का सामान यहाँ पर खरीदने के लिए आते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर फूल पसंद आ रहे हैं और ऑक्सीजन के लिए भी काफ़ी अलग अलग तरह के जो पौधे हैं वो खरीदे जा रहे हैं। मैं कशिश कैमरा पर्सन सरोज रानी के साथ आर सोने न्यूज़ दिल्ली। और हम बसंत कुंज से आए हैं इस नर्सरी में प्लांट्स लेने के लिए, आते जाते कई बार देखते थे बड़ा कलेक्शन है इनके पास, हमारे उधर भी है नर्सरी पर इतना बड़ा कलेक्शन नहीं है। मैम पोल्यूशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा होता है तो क्या कुछ वैसे प्लांट्स जो ऑक्सीजन के लिए? हाँ मोस्टली जो पाम वगैरह है, हम लोग इंडोर प्लांट्स हैं, एयर प्योरीफायर्स होते हैं तो वो तो इसीलिए ले रहे हैं, बाकी अभी फ्लावर्स का सीजन है तो थोड़ा ब्यूटिफिकेशन के लिए ले रहे हैं। तो मेन पर्पस यही है कि ब्यूटिफिकेशन हमारा मेन पर्पस है, बाकी एयर प्योरीफाइंग हो रहा है वो हमारा विन विन सिचुएशन है, हमारे को अच्छा ही दोनों चीज़ें। मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा है। पवन जी आज आप यहाँ पे नर्सरी में पहुँचे, क्या क्या पेड़ लिए आपने? क्या अभी तो लिया हूँ पिटूनिया लिया हूँ जो कि देखने में बहुत सुंदर होता है और डेकोरेशन के हिसाब से उसको सजाया जाता है और ऑक्सीजन के माध्यम से जो है हमारे यहाँ बोगनवेलिया है और उसके बाद पॉम्प है, मतलब ऐसे लगाए जाते ताकि हमारे जो फर्म जो है उसमें ऑक्सीजन मतलब प्रदूषण कम हो, ऑक्सीजन ज़्यादा मिले, इस अनुसार से हमने सजाते हर जगह, हमारे फार्म सबसे नंबर वन फार्म है। नहीं आपने इंडोर के लिए अपने घर के लिए जो घर के अंदर रखा तो उसमें से कौन से ऑक्सीजन वाले प्लांट लिए? घर के अंदर लगने वाला तो वो बोतल पंप है, ये है, उसके बाद पिटूनिया है, ये सब लगाते हैं। तो आपने दो पौधे लिए अलग अलग है? हाँ जी ठीक।